असम में देश के सबसे लंबे बोगीबिल पुल का उद्घाटन कर पीएम मोदी ने खुद की पीठ थपथपाई। साथ ही काम देरी से पूरा होने का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ दिया, लेकिन जिनके कार्यकाल में इस पुल की नींव पड़ी उनका जिक्र तक नहीं किया। पीएम मोदी की जुबान से पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा को लेकर एक शब्द तक नहीं निकला, जिसे लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। साथ ही कार्यक्रम में न बुलाए जाने को लेकर भी मोदी सरकार पर हमला बोला है। असम की ब्रह्मपुत्र नदी पर बने देश के सबसे लंबे पुल की सौगात जनता को मिल गई है। इस बोगीबिल पुल से देश और गाड़ियां दोनों दौड़ेंगी। ये पुल असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण तट को धेमाजी जिले से जोड़ता है। 4.94 किलोमीटर लंबे इस पुल के बनने से पूर्वी असम से अरुणाचल प्रदेश के बीच सफर करने में लगने वाला वक्त घटकर सिर्फ 4 घंटे का रह जाएगा। 4,557 करोड़ रुपए की लागत से बने इस पुल को लेकर श्रेय लेने की होड़ लग गई है। पीएम मोदी खुद की और पूर्व की अटल सरकार की पीठ थपथपाते नहीं थक रहे। उन्होंने इस पुल के लिए खुद की तारीफ की, साथ ही दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कामकाज को भी सराहा, लेकिन 1997 में पुल की नींव रखने वाले पूर्व पीएम देवेगौड़ा का जिक्र तक नहीं किया, जिसे लेकर अब उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लिए रेलवे लाइन, दिल्ली मेट्रो और बोगीबिल रेल सड़क पुल उन परियोजनाओं में से है जिनको प्रधानमंत्री रहते हुए मैंने मंजूरी दी थी। मैंने इनमें से हर परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी थी और उनकी आधारशिला रखी थी। आज लोग भूल गए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कार्यक्रम में भी ना बुलाए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की। पूर्व पीएम ने कहा कि अयो राम, मुझे कौन याद करेगा। कुछ अखबारों ने शायद इसका जिक्र किया हो, लेकिन किसी ने पुल के लिए हमें याद नहीं किया। देवेगौड़ा का पीएम मोदी पर बरस नाराजगी था, क्योंकि 1997 में उन्होंने ही पुल की नींव रखी थी, जिसके बाद केंद्र में इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह की सरकार बनी, जिस दौरान इस पुल के काम को आगे बढ़ाया गया। लेकिन इस पुल का उद्घाटन करने का मौका पीएम मोदी को मिला। शायद इसीलिए ही पुल का सारा श्रेय उन्होंने खुद को और पूर्व की अटल सरकार को दे दिया। दिव्यलाल की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।